गुड, वी फील लाइक थैंक यू। इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो हम अपने चैनल पे देंगे। हम अपने दोस्तों से यही ख्वाहिश करेंगे कि विजय जब जाना हो तो आपको याद करें, वेलकम जी, क्योंकि मेरा ट्रस्ट और हमारा ट्रस्ट जीते हो। रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह उनको खुसूसी आपके रेफरेंस पे डिस्काउंट देंगे। जबरदस्त हो गया भाई। राजा साहब कह रहे भाई मोहसिन का रेफरेंस ले आओ डिस्काउंट, तो अब ये ऑफर है भाई, ले आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं आपका भाई मोहसिन लांग आज नए मुद्दे के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। मुद्दा कुछ नहीं है, ये देख रहे हो ना, ये अनस भाई, ये मेरे कज़न है, माशाल्लाह ये जा रहे हैं हज पर। अब हज पर जाने के लिए इसको चाहिए वीज़ा, पासपोर्ट, गिफ्ट, तमाम चीज़ें, ठीक है। अब ये इसके आ गए कराची, मुझे फ़ोन किया, चलो। मैंने कहा चलो, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं, कुछ साइक्लोन आ रहा है ना, जो तूफ़ान आ रहा है वो आपको पता है, कराची से बहुत गरीब पहुंच चुका है। बादल देख रहे हो माशाल्लाह, आसमान का खतरे की घंटी बज चुकी है। हम उस खतरे की घंटी बजने से पहले जाकर इसके सामान लेते, पता नहीं फिर जाना हो नहीं हो। अनस भी एक्साइटेड हो जी? मौसम भाई माशाल्लाह, जब अपना सफर यहाँ से शुरू करते हैं, जाते हैं इंशाल्लाह अपना वीजा, पासपोर्ट, जो गिफ्ट है, बाकी सारी चीजें आज कम्प्लीट करते हैं। जबरदस्त सफर इंशाल्लाह अच्छा रहेगा आज, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना भाई आज जाकर, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखना, हमारा सफर आसान हो इंशाल्लाह। आप सब थैंक यू। ठीक है भाई, हम लोग निकल रहे हैं। अनस भाई भी एक्साइटेड है माशाल्लाह, आज की खुशी है, आज जो है ना खुश नसीबों को नसीब होता है। तो आगे जो होगा, जो सफ़र होगा, जिस तरह का सफ़र होगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग ना उम्मीद नहीं होगे। तब तक के लिए दे दीजिएगा इजाज़त। तो भाई लोग, जिस तरह आप लोगों को पता है कि पिछले साल जो तूफ़ानी बारिश हुई थी, उस वजह से जो बलूचिस्तान और सिंध को मिलाने वाला पुल है वो मुकम्मल तबाह हो गया था। ज़ोरों शोर से माशाल्लाह काम जारी है, दुआ है इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा से मुकम्मल हो जाए, और ज़रूर होगा इंशाल्लाह। चेक कर सकते हो, मुकम्मल तैयारी के साथ है माशाल्लाह से, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, बादल भी थोड़े बहुत बरसे हैं। दुआ करो अल्लाह खैर और आफियत वाला मामला करे, ज्यादा हवा नहीं आ जाए, ज्यादा तेजी से बारिश नहीं बरसे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सफर में, इस तरह हमारी तरह पता नहीं कितने मुसाफिर होंगे, लोग पार होंगे। अल्लाह खैरियत से आफियत से तूफान को जो है ना जो पार करवा दे और आफियत वाला मामला करा दे। जो आगे होगा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। दुआ करें अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम लोग रुक गए, रुकने की वजह ये है कि बारिश माशाल्लाह शुरू हो गई, बहुत टायर्ड शुरू हो गई है, टायर्ड देख सकते पूरा गीला हो गया हूँ। यहाँ चेक करें, जोरों शोर से बारिश चल रही है, अब जो है ना कितनी और शिद्दत से बरसेगी कुछ नहीं पता, फिलहाल तो हम लोगों को मुकम्मल गीला कर लिया है, ये चेक कर सकते हो, मुकम्मल रोड गीला है और हर तरफ बादल छाए हुए हैं, बरस रहे हैं। ये कि फिलहाल विंड नहीं है, हवा नहीं है इसमें ज़्यादा शिद्दत का, तो हो सकता है क्योंकि सबको पता है कि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि साइक्लोन आ रहा है, इसी वजह से थोड़े से अलर्ट कर दिया है मौसमियात महकमे मौसमियात से कि जो है ना इससे सेफ घर पर रहिए, क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलेगी और बारिश तेज़ बरसेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल, अभी तक विंड इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बरस नहीं चल रही है, बारिश बरस रही है, अभी तेज हो रही है, बस अल्लाह से दुआ करें जो है आफियत वाला मामला हो। तो आइए घर से न्यूज़ सुन के निकले हैं मोबाइल पर, तो यही बताया गया है कि सैटरडे से बता रहे हैं कि रेन प्रेडिक्शन है, जो DHA और क्लिफ्टन की साइड पर बारिश हो रही है, ठीक है। DHA की जो ब्लॉक 7 हो गया और CBO अपार्टमेंट वहाँ पर 4 हो गया जी, जी। और ये क्लिफ्टन ब्लॉक जी क्या यहाँ पर बारिश हो रही है। अच्छा, इससे आगे हम जाते हैं सदर आई के मीगा रोड, वहाँ पर नहीं है बारिश। अच्छा, रहे फसल में नहीं है बारिश। अच्छा, ये आवाम को क्या पैगाम दोगे? ये 2-3 दिन है, यही पैगाम देंगे कि मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले हजरात जो ट्रैफिक में गैर जरूरी सफर इस्तेमाल करें, बिल बोर्ड लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खम्भे वगैरह लगे हुए हैं, पान का प्रेशर वगैरह है, हम इसे विंड का हवा काम और जॉब्स वगैरह ये तो चलती रहती है, ठीक है।
यार की मदद करें, अपने जो भी काम वगैरह है उनको पेंडिंग पे डाल दें। चलो थैंक यू सो मच, जो है ना एक एक पल इंशाल्लाह शेयर करेंगे, जो होगा उम्मीद है इंशाल्लाह मामला सारे भाई रुक रहे हैं, बारिश की वजह से नहीं जा रहे हैं। अनस भाई को देखो, अनस भाई भी रुका, अनस भी अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। कहा था कि मुएज हज एंड उमरा सर्विसेज का जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब है वो गए थे काम से। राजा अरशद साहब बड़े माशाल्लाह प्लैड बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब अनस भाई को पता चला कि भाई इसका सोशल मीडिया के जरिए कि इसको देख ले, क्योंकि आजकल एक ट्रस्ट गेन करना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने अनस भाई से कहा चलो हम साथ चलते हैं, थोड़ा सा मुलाकात करते हैं, देखते हैं बंदे से मीटअप करते हैं। तो आए हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को मुकम्मल समझ आया, इंतहाई ज़्यादा शफीक नफ्स पोलाइट इंसान राजा साहब, बहुत ज़्यादा मुझे तो पहली मुलाकात में अच्छा लगा। मैं यहाँ से निकला, अनस भाई को बोला, मैंने कहा डन कर दो भाई, डन कर दो। तो राजा साहब बैठे हैं मेरे साथ, राजा साहब से कुछ सवाल करूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चले, अल्लाह करे कल को आप हज और उमरे के लिए जाओ तो ये जो बंदा है इसको जो है ना लाजमी भूलिएगा मत, इसका जो ट्रेवल एजेंसी है मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन, आपको हर कैटेगरीज के जो है ना वो दे देगा कि आपको ए में जाना है, बी में जाना है, डी में जाना है, और फुल वो कहते हैं ना कि एक बेहतरीन प्रोसीजर के साथ भेजेगा और रियायत के साथ डिस्काउंट के साथ, जो मतलब बकाया ट्रेवल एजेंसी का होगा और इसका होगा, आप उसमें तफरीक देखोगे, फर्क देखोगे। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब थोड़ा सा आपको ये जो नाजरीन जो मेरे व्यूअर्स है वो देख रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह सालाना अपने ट्रेवल एजेंसी से कितने आप हाजी भेजते हो हज के लिए उमरे के लिए? देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम उमरा ऑपरेटर भी हैं, अथॉराइज्ड फ्रॉम सऊदी मिनिस्ट्री, अथॉराइज्ड फ्रॉम पाकिस्तान मिनिस्ट्री रिलीजियस मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, और सेकेंडली हज ऑथराइजेशन भी हमारे पास है और 12 साल का एक्सपीरियंस है। हम हर साल लोगों को लेके जाते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और डी कैटेगरी के पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल का एक्सपीरियंस, गुड सर्विसेज हैं, रीजनेबल प्राइसेज हमारी होती हैं और अच्छी सर्विसेज होती हैं, और हमारा पूरा टीम वर्क है जॉइंटली, एक हमारा तकरीबन आलमोस्ट 500 का ग्रुप बनता है जो 4-5 कंपनियों पे मुश्तमिल है, और हम लोग हर साल हाजियों को ले के जाते हैं और पूरी हमारी टीम साथ होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 घंटे हाजियों के साथ होते हैं वहाँ पे, मक्का में, मदीना में, अजीजिया में, ड्यूरिंग मशायर डेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपका भी थैंक यू, आप हमारे साथ बुक हुए, अनस भाई है हमारे, उन्होंने हमसे बुकिंग कराई और उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। इंशाल्लाह हमने उनको क्लियरली कहा है कि मिनिस्ट्री वहाँ पे आएगी, आपसे जो है वो सवाल जवाब करेगी, आप उनको बिल्कुल क्लियरली हमारी फेवर में कोई भी बात नहीं करेंगे, आपको जो सर्विसेज कमिट की हैं, जो पैकेज में लिखी हैं, अगर उससे अच्छी मिले तो आप बताइएगा, अगर उसमें कोई नुक्स हो, कहीं पे हम कमी है, कोई शिकवा है, वो भी आप जरूर करें ताकि हम अपनी नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसके लिए अपनी तस्दीक करें। थैंक यू। ये भाई माशाल्लाह स्टाफ है, फैसल भाई है, एम्प्लॉय यहाँ माशाल्लाह काम करते हैं वो भाई है, मुकम्मल इनकी टीम है माशाल्लाह, मुकम्मल तरीके से तमाम हाजियों को देखते हैं और तब तक देखते हैं जब तक हाजी वापस नहीं है। ये राजा साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो है ना अपने जो हाजी होते हैं उनको एंड तक जो है ना उनका साथ देते हैं, तमाम प्रोसीजर्स में उनको जो है ना हेल्प करते हैं, हेल्प आउट करता है, उनको जो जो मदद दरकार होते हैं वो तमाम देता है। यही वजह है राजा साहब का कि मैं खुद उस पे यकीन के हामिल हो गया, मैंने ट्रस्ट कर लिया, और यकीन करें मैं उस दिन बैठा हुआ था तो इतने हाजी आ रहे थे, तो मैंने उसी टाइम देख लिया कि यार ये इंसान जो है ना बड़े शफीक नफ्स पोलाइट और हेल्प आउट करने वाले इंसान है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब आपने हज और उमरा पे जाना हो तो ये गिजरी, सर इसका लोकेशन क्या है आप थोड़ा? ये गिजरी है, मुस्तफा सेंटर है, इसके फर्स्ट फ्लोर पे है, नियर सऊदी कॉन्सुलेट और नियर मुबारक मस्जिद, मेन गिजरी रोड अपोजिट यूबीएल बैंक। चले ये आप लोगों ने सुन लिया लोकेशन, जब कभी इंशाल्लाह मूड बने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ
तो ये है कि ये आपको रीजनेबल प्राइस आपको जो है ना इंशाल्लाह हज करवाएगा, उमरा करवाएगा, तमाम प्रोसीजर्स इनके ऊपर आप यकीन करें इंशाल्लाह हज और उमरा करके वापस आके इंशाल्लाह खुश होंगे। तो राजा साहब से हम लोग अभी इजाजत चाहेंगे। अनस भाई का जो थोड़ा सा प्रोसीजर बचा था, मेरा कजन है, वो भी माशाल्लाह यहीं से जा रहे हैं। गुड लक इंशाल्लाह। अनस भाई के तकरीबन 70-80% 100% काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी सारे मामलात में हर चीज से हर जगह माशाल्लाह काफी सपोर्ट किया है आपने। जैसे हम दोनों पहले दिन आए थे, पहले दिन से माशाल्लाह इतना ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। उसके बाद कॉल पे किसी भी टाइम कोई भी मसला हो, वहीं आपसे कॉल पे आपको सारे मसला हल कराएंगे। आप आने की भी जरूरत नहीं है, बेहतरीन हो गया। खुशी में मुलाकात में सिर्फ इसके लिए थैंक यू सर। इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो हम अपने चैनल पे देंगे। हम अपने दोस्तों से यही ख्वास करेंगे कि विजय जब जाना हो तो आपको याद करें, क्योंकि मेरा ट्रस्ट और हमारा ट्रस्ट जीते। रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह उनको खुसूसी आपके रेफरेंस पे डिस्काउंट देंगे। जबरदस्त हो गया भाई। राजा साहब कह रहे हैं भाई मोहसिन का रेफरेंस ले आओ डिस्काउंट, तो अब ये ऑफर है भाई, ले आओ। इंशाल्लाह आप नाउमीद नहीं होंगे, वापसी पे आकर मुझे भी दुआ दोगे, राजा साहब को भी दुआ दोगे, और वो ऐसा मकाम है वहाँ एक दुआ के लिए हम लोग तरसते हैं, वहां से आप दुआ दोगे तो हमारे लिए गुड होगा। तो ख्याल रखिएगा अपना इंशाल्लाह। कल इनके जो है ना पासपोर्ट और वीजा आएंगे, आ जाने थे शायद सदर पहुंचे हैं, लेकिन हम लोगों को काम है नहीं जा सकते हैं। कल इंशाल्लाह इनके पासपोर्ट और वीजा आ जाएगा, यहीं से उठा लेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से गुड बाय नहीं कर रहे हैं, आगे आपको जो है ना दूसरी चीजें हैं रूटीन की वो दिखा देंगे, फिर आपसे करेंगे गुड बाय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सलाम। इसलिए जाना है कि भाई के जो वैक्सीनेशन प्रोसीजर है वो पूरा करना है, वैक्सीन लगवाना है, कार्ड बनवाना है, वो लाजमी प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको दिखा देंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा, ठीक है? एक एक चीज पे नजर रखें, सारा आपको दिखा देंगे। जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, ये अब हम लोग आ गए हाजी कैंप। हाजी कैंप में यह है कि अनस भाई जो है ना अपना वैक्सीनेशन वाला प्रोसीजर पूरा करेगा, फिर वैक्सीनेशन का कार्ड है वो ले लेगा, उसके बाद जो है ना हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। ये जो है ना यहाँ हज के सारे तरीके लिखे हुए हैं, और यहाँ पर मेडिसिन पैक करें अनस भाई का, और ये जो बाज़ार है यहाँ से हाजी अपने ले जाने माल दीगर जो ज़रूरी सामान है वो ख़रीदते हैं, मोज़ा टोपी जो दूसरी चीज़ें हैं जो ना ज़रूरी होते हैं हाजी के लिए वो सारे ख़रीदते हैं। ये अनस भाई ख़रीद रहे अपने लिए, मोज़े पसंद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैंने कहा भाई ले लो जो आपके पाँव पे फिट आता है ले लो। अनस भाई पूछ रहे हैं, मैंने कहा ले लो। अनस भाई ने ले लिया बिलाखिर, माशाल्लाह कार्ड बन गया हमारा वैक्सीनेशन। माशाल्लाह अनस भाई को मुबारक हो भाई, वैक्सीनेशन वाला प्रोसेस भी हो गया, कार्ड बन गया, सारा प्रोसीजर हो गया कम्प्लीट, मेडिसिन हो गए पैक इसके। अब क्या है, कल जाना है, वीज़ा और इसका पासपोर्ट ले आना है, हो गया सारा कुछ मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इसको एयरपोर्ट ड्रॉप करना है इंशाल्लाह, जहाज़ में बिठाना है सीधा अल्लाह के घर की तरफ। हमें दुआओं में याद रखना भाई, जमजम भी ले आना, ठीक है? ठीक है, चलो ख्याल रखिए अपना, ठीक है? जाते हैं थोड़ा सा, काफी माशा हेल्पफुल रहे हैं पूरे मेरे प्रोसेस में, हर जगह हर वक्त खुश रहो, जब भी आपको आवाज लगाया माशाल्लाह खुश रहो, जज़ाकअल्लाह मोहसिन, खुश रहो, काफी कोऑपरेटिव। अब जो है ना मैं तो थोड़ा सा आवाज कर रहे हैं अंदर, चूहे काट रहे हैं पैड में कि जाओ कुछ खा लो, भूख लगी इनकी आ गई। अब जाएंगे थोड़ा सा हल्का फुल्का जो भी मिल जाएगा भूख मिटा देंगे, फिर आपसे करेंगे गुड बाय। हमारे साथ जुड़े रखिएगा, खाना आपको दिखा देंगे, जो भी खाएंगे फिर आपसे करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, इस वक्त दो माशाल्लाह फॉरेनर्स हमारे साथ हैं। अचानक मैं जा रहा था, इन पर नज़र पड़ी, कराची की हॉस्पिटैलिटी जो है मैं इनसे पूछता हूँ कि कब से आप लोग आए हो और क्या हॉस्पिटैलिटी है पाकिस्तान का कराची का। वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू कराची। वी आर फ्रॉम पोलैंड एंड वी केम टू कराची अबाउट 2 डेज अगो। पीपल आर वेरी नाइस, पोलाइट, हेल्पफुल, गुड, वी फील लाइक
help here. Thank you. And the same. It's a good place. Nice country. Thank you. People like, very supportive. Pakistan. The Pakistan also loves the foreigners. So, goodbye. The foreigners, they are here. And they are enjoying the country of Pakistan, the beauty of Pakistan, the beauty of the people of Pakistan. So wish you good luck, and inshallah you will come next time in Karachi and you will get more hospitality from the people of Karachi. Okay. Are you enjoying? Yes. Say goodbye. Thank you. सुबह के निकले हुए हम अनस भाई के साथ हाजी कैम्प का दौरा किया ट्रैवल एजेंसी का. खूब भूख लगी हम लोगों को. मैंने कहा यार साथ में फूड सेंटर है बिरयानी का जाके खाते हैं. हमने मन के खाया फुल पेट भर के खाया. अस्सलामुअलैकुम भाई लोग. तो हो गया सारा काम अनस भाई का अल्हम्दुलिल्लाह 70% हो गया. कल के लिए थोड़ा सा बच गया है. वीजा है पासपोर्ट है वो कल इंशाल्लाह ले लेंगे. बाकी सारा हो गया. वैक्सीनेशन कार्ड भी ले लिया उन्होंने अनस भाई ने और जो थोड़ा सा प्रोसीजर बचा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल एजेंसी से पूरा हो गया. तो अब करते हैं गुड बाय. नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने असर का और खाना शाना भी खाया फिट हो गए जा रहे घर की तरफ. तो ये व्लॉग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ. एंड अपने भाई को सपोर्ट करें लाइक सब्सक्राइब एज मैंडेटरी ये लाजमी कीजिएगा. ठीक है मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और दिन. तब तक अपने भाई को दे दीजिएगा इजाज़त. वस्सलाम गुड बाय.